बहुत से देश बिजली के लिए कोयले पर निर्भर करते हैं, भारत भी उन्हीं में से एक है। लेकिन जर्मनी कोयले की खदानें बंद कर रहा है, क्योंकि पहले ही इतना कोयला निकाला जा चुका है कि अगर और नीचे खुदाई की जाएगी तो जमीन को भी नुकसान पहुंचेगा और खर्चा भी बहुत ज्यादा आएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि खाली खदानों का क्या किया जाए। इनकी कुछ ऐसी रिसाइकलिंग हो रही है कि कोयला हो या ना हो, लेकिन बिजली तो इनसे मिलती ही रहेगी। जमीन के नीचे सैकड़ों मीटर की गहराई में काम की शुरुआत वहां से करनी होगी जहां शाफ्ट है और जहां चारों ओर कोयला। भूविज्ञानी उल्ड्रिश श्राइबर के मुताबिक ऊपर जाने का रास्ता भाग्यशाली भी साबित हो सकता है, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि खनन बंद होने के बाद खदान का क्या किया जाएगा। 2018 के अंत तक जर्मनी में कोयला उत्पादन भी बंद हो जाएगा। खदान से निकलने वाले आखिरी खनिकों को यहाँ एक पावर स्टोरेज प्लांट बनाना होगा। इसका फायदा यह है कि यहाँ पहले से ही एक बड़ा क्रॉस सेक्शन मौजूद है। इसका मतलब है कि हम ट्रकों के जरिए यहाँ टरबाइन और ट्रांसफार्मर पहुँचा सकते हैं। ये भारी लोड है जिसे यहाँ लाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी सहूलियत है। हाल के समय में वैज्ञानिकों ने कई बार गहराई में बने इन रास्तों का दौरा किया। बाद में यहीं से पानी गुजरेगा। पानी को गहराई में तब भी भेजा जा सकेगा जब सूरज न चमके और हवा भी न चले। यह पानी टरबाइन को घुमाएगा और ट्रांसफार्मर से बिजली बनेगी। पानी ऊपर बने संचय केंद्र से आएगा। सौर और पवन ऊर्जा चालू होने पर पानी को पंप कर ऊपर के संचय केंद्र तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन ये क्या आसानी से हो जाएगा? रिसर्चर माइन शाफ्ट और रूट खोज रहे हैं, कुछ तो 1200 मीटर की गहराई में। शायद आने वाले समय में यहाँ पानी जमा किया जाए। वे पंप स्टोरेज पावर प्लांट के आयाम को समझना चाहते हैं। क्या चट्टान पानी को सहने लायक है? जब पानी यहाँ आएगा तो यहाँ सिस्टम में मौजूद हवा कहाँ जाएगी? यहाँ नीचे पानी को स्टोर करने के लिए एक लंबे टनल सिस्टम की जरूरत हो सकती है। इस टनल सिस्टम को बनाना होगा या फिर मुझे मौजूदा सिस्टम को ही खींचना, मजबूत या टाइट करना होगा, जैसा कि खनिक कहते हैं। इसके लिए जो यहाँ है उसे बाहर करना होगा। नीचे की ओर पंप की तरफ रेनफोर्स कंक्रीट के पाइप फिट करने होंगे। कोशिश करनी होगी कि पानी को कम से कम प्रतिरोध का सामना करना पड़े। जरूरी हो तो उसे तुरंत ऊपर पंप किया जाए। रिसर्चरों को भी उम्मीद है कि खदान के भीतर कटे हुए कोनों में टरबाइन और ट्रांसफार्मर को फिट किया जाए। उम्मीद है कि शाफ्ट और रूट भी लंबे समय तक टिकाऊ बने रहेंगे। टेस्ट के लिहाज से ये बुरा नहीं। पंप स्टोरेज पावर प्लांट एक भूमिगत बैटरी की तरह है, जिनका इस्तेमाल दुनिया भर के स्कूलों में भी किया जाता है और खास तौर पर कोयला खनन में। फिलहाल यहाँ से भी कोयला निकाला जा रहा है, लेकिन उल्ड्रिश इस जगह को भविष्य के प्रयोग के तौर पर देखते हैं। यदि आप एक बार यहाँ देखें तो यहाँ एक बड़ा इलाका है। स्टोरेज हमारे नीचे होगा और हम जाहिर तौर पर ऊपर जल संचय केंद्र चाहते हैं, ताकि पूरा ढांचा हरकत में आ सके। पानी का स्टोरेज एक बड़े इलाके तक हो सकता है जहां वाटर लेवल बदलता रहता है, लेकिन यकीनन आप एक ऐसा क्षेत्र बना सकते हैं जहां पानी का स्तर बरकरार रहे, फिर इस जगह का मूल्य बढ़ जाएगा। कोयला विदा होने वाला है, पवन ऊर्जा आ चुकी है और शायद उल्ड्रिश का आइडिया भी झील में तैरता हुआ करीब आ रहा है।